नमस्कार आप सबों को। आज चर्चा करते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज या दो दिवसीय महोत्सव जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 और 6 अगस्त को मनाया गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित जो आगामी परीक्षा है उसमें यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का जो ब्रोचर जारी हुआ था, ये ब्रोचर आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह इनोग्रल का शेड्यूल है और किसके द्वारा इनोग्रेट होना है, तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया था 5 अगस्त को, और टाइम 10:30 AM था। इसके अलावा जो मुख्य बात है कि हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। ये इनोग्रल सेशन का एक पिक्चर है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रगति मैदान में 5 अगस्त को फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करें तो पहले जो है प्रोग्राम शेड्यूल इसका जो जारी किया गया था, द प्रोग्राम शेड्यूल ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज वाज अनवील्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर श्री अर्जुन राम मेघवाल इन न्यू दिल्ली ऑन 19 जुलाई, मतलब 19 जुलाई 2023 को पहले इसका प्रोग्राम शेड्यूल जारी किया गया फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का। इसके बाद 5 अगस्त को भारत की राष्ट्रपति द्वारा यह इनोग्रेट किया गया, महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस फेस्टिवल, दो दिवसीय फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया। और इस फेस्टिवल का आयोजन किसने किया था, द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था टू प्रमोट डिजिटाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरीज। यह जो फेस्टिवल था वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया था आयोजित, और इसका थीम जो था रीड रिसर्च और रिफ्लेक्ट इसका थीम था। इसके अलावा फेस्टिवल यह जो है दो दिवसीय फेस्टिवल था। द फेस्टिवल वॉज हेल्ड फॉर 2 डेज 5th and 6th अगस्त, दो दिवसीय कार्यक्रम था। और यह कहां पर आयोजित किया गया था, यह प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो इससे जुड़ा हुआ तथ्य है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एंड द नेशनल लाइब्रेरी आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया था यह दो दिवसीय कार्यक्रम। लेकिन इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन था, तो वह इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी RRRLF और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दोनों था। तो इस तरह से मुख्य बातें यहाँ पर फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 19 जुलाई को जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर स्टेट राज्य मंत्री जो है श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस प्रोग्राम का शेड्यूल जारी किया गया, 5 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रोग्राम को इनोग्रेट किया गया। यह दो दिवसीय प्रोग्राम था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर आरलप और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने कार्य किया था। यह जो दो दिवसीय कार्यक्रम था इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया था, परंतु उसका माध्यम जो था, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आरआरएलएफ था और
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था, और इसको करने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वह योगदान आप देख सकते हैं, ये जो खड़े हैं प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर, जो वर्तमान में RRRLF के डायरेक्टर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के भी डायरेक्टर है। हम लोगों ने जैसे देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इसकी सारी जिम्मेवारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और RRLF को इम्प्लीमेंटिंग के लिए इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, और इसके डायरेक्टर अभी वर्तमान में अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह हैं, और इन्होंने बखूबी अपने कार्य को निभाया और एक भव्य और शानदार तरीके से इस जो इवेंट है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किया। तो इस तरह से नवीन टॉपिक जो भी हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित जो भी नवीन टॉपिक नई गतिविधियां जो होती है उस पर नज़र रखना पुस्तकालय विज्ञान के छात्र होने के नाते और पुस्तकालय प्रोफेशनल होने के नाते एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और आने वाले समय में आने वाले परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। धन्यवाद।